अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं गन्ज लैबी एम मार्केट पिशावर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे रशियन बेकाल कंपनी की 442 मॉडल मेक्रोव नाइन बाई एटीन पिस्टल की तो चलिए देखते हैं इसके प्लास्टिक के बाक्स में इसके साथ क्या क्या आता है तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये यूज़र मैनुअल मिल जाएगा जिस पर मेकरोव लिखा हुआ है नाइन एम एम लिखा हुआ है और बेकाल 442 लिखा हुआ है जो कि इसका मॉडल नंबर है तो इस किताब में आप मज़ीद मालूम पढ़ सकते हैं इस पिस्टल के बारे में तो दोस्तों ये इसके साथ एकजाफी मैगजीन दिया गया है जो कि बारह राउंड मैगजीन कैपेसिटी पर मुशतमिल है और ये नाइन बाई एटीन एम एम की मैगजीन है जो कि डबल स्टैक मैगजीन है दोस्तों इसमें एक और मॉडल आता है मैकरो में, में जो कि एम पी इकहत्तर के नाम से आता है उसके साथ सिंगल स्टैक मैगजीन होती है आगे चल कर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ उसमें आठ राउंड आते हैं इसके साथ इसके बाक्स में एक अदद क्लिनिंग राड दिया गया है जो कि इसकी सफ़ाई में काम आएगा अब आते हैं पिस्टल की तरफ तो दोस्तों ये पिस्टल आप देख सकते हैं ये रशियन बेकाल मेकरोव पिस्टल है जो कि नाइन बाई एटीन एम से ताल्लुक़ रखती है और ये इसकी बुलेट जो है नाइन एम mm से थोड़ी मुख्तलिफ होती है यहाँ देख सकते हैं इस साइड पर लिखा हुआ है केली बार नाइन एम mm एम लिखा हुआ है और बेकाल कंपनी का नाम लिखा हुआ है इस पर आयल काफ़ी लगा हुआ है जिस जिसकी वजह से साफ लिखाई नज़र नहीं आ रही आपको कैमरे में और इस साइड पर देख सकते हैं आप बेकाल चार इसका मॉडल लिखा हुआ है और मेड इन रशिया लिखा हुआ है तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है और कंपैक्ट साइज़ पिस्टल है कंसील कैरी के लिए ज़बरदस्त पिस्टल है और लाइट वेट भी है और इसमें काफ़ी फंक्शन भी हैं डबल एक्शन पिस्टल है सिंगल एक्शन पिस्टल है इसमें ला लाक का सिस्टम भी दिया गया है सेफ्टी प्लस डी काकर का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके मैगज़ीन में ट्वेल्व राउंड आते हैं नाइन बाई एटीन एम के तो आप देख सकते हैं ये डबल एक्शन और सिंगल एक्शन पिस्टल है ये इसका दूसरा मैगज़ीन आप देख लें ये भी डबल स्टैक मैगज़ीन है इसमें भी बारह राउंड आते हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये फुल मेटल में बनी हुई पिस्टल है इसका फ्रेम भी स्टील का है और इसका जो अपर स्लाइड है ये भी स्टील का है और इसकी बैरल जो होती है वो फिक्स होती है इसकी बॉडी के साथ इसके फ्रेम के साथ तो ये तीन इशारे छः इंच की बैरल इसमें लगी हुई है और ये स्टील कलर में है इसमें एक और कलर आता है जो ब्लैक कलर में होती है इसमें दो कलर आते हैं आजकल एक ब्लैक कलर में मिल जाएगी आपको और एक ये स्टील कलर में ये आप देख सकते हैं पीछे से इसका आप हैमर चेक कर लें ये हैमर स्ट्राइक पिस्टल है और डबल एक्शन पिस्टल है और इसका ग्रिप भी आप चेक कर सकते हैं बहुत खूबसूरत ग्रिप है दोस्तों इसके ग्रिप पर बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर बहुत खूबसूरत चेकरिंग की गई है और वो मैं आपको दिखाता हूँ ये आप देख सकते हैं इसका मेनरल सेफ्टी का बटन भी है और डिकाकर का बटन भी है यहाँ से आप इसको सेफ़ भी कर सकते हैं यह मुकम्मल तौर पर जाम हो जाती है जब ये लाख पोजिशन में होगी पहले इसकी आप बैरल चेक कर लें जो कि इसके बॉडी के साथ इसके फ्रेम के साथ फिक्स होती है ये तीन इशारे छः इंच की बैरल है और इसका स्लाइड भी चेक कर लें ये स्टेनलेस स्टील कलर में है बहुत खूबसूरत कलर है और ये आप कंसील कैरी के लिए अपने पास नाइन नाइन एम के लाइसेंस पर भी रख सकते हैं ये इसकी बुलेट है जो कि नाइन बाई एटीन एम से इसका ताल्लुक है और मेकरोव की बुलेट है और ये आप देख सकते हैं आम नाइन एम की बुलेट भी इसके साथ मैंने आपको रख के दिखा दी है दोस्तों मेकरोव में एक और मॉडल भी आता है जिसका मॉडल नंबर है एम पी वो ओल्ड मॉडल है पुराना मॉडल है उसके हैंड ग्रिप के नीचे उसके मैगज़ीन रिलीज़ करने का बटन दिया गया होता है और उसके मैगज़ीन में आठ राउंड आते हैं जो कि सिंगल स्टैक मैगज़ीन होता है और ये जो है इसका जो मैगजीन रिलीज़ करने का बटन है ये इसके ग्रिप के ऊपर दिया गया है जो कि नया मॉडल है और इसके मैगज़ीन में बारह राउंड आते हैं बाकी साइज़ और स्पेसिफ़िकेशन वाइज़ दोनों सेम हैं तो दोस्तों इसकी ओवरऑल डायमेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इस पिस्टल की ओवरऑल लेंथ जो है ये छः इंच है और इसकी हाइट जो है ये पाँच इंच तक है और इसका जो वज़न है ये एम टी मैगजीन के साथ सात सौ अस्सी ग्राम तक है और इसकी बैरल की लंबाई तीन इशारे छः इंच है और इसकी मोटाई जो है वेट एक एशारा तीन इंच तक है और दोस्तों इसका भी इफ़ेक्टिव रेंज जो है ये पचास मीटर तक होता है आम नाइन एम mm एम पिस्टल की तरह और इसका बुलेट सिर्फ नाइन एम एम से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और कैलिबर नाइन बाई एटीन होता है जो कि नाइन एम एम के, mm के लाइसेंस पर आप कैरी कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी कीमत के की बारे में अभी आपको मैं बता देता हूँ तो दोस्तों आजकल कल इम्पोर्ट मार्केट में बेकाल चार सौ बयालीस मेक्रोव की जो कीमत है वो ब्लैक कलर में अगर आप आजकल लेंगे तो ये तकरीबन आपको एक लाख तीस हज़ार रुपये तक मिल जाएगी और अगर आप स्टील कलर में या वाइट कलर में पसंद करते हैं तो इसकी कीमत तकरीबन एक लाख चालीस हज़ार रुपये तक है लेकिन ये कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं ये मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करती है तो जब आपको जिस टाइम लेनी होगी तो उस वक्त के हिसाब से जो कीमत चल रही होगी मार्केट की तो आपको उस कीमत पर मिल जाएगी तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आंदे भी ऐसी वीडियोज़ देखने का मौका मिल सके अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़